हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी उपमा। ये बहुत ही एक हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी है और इसको बनाने भी बहुत आसान है। तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या चाहिए। इसके लिए लिया मैंने 1 कप सूजी और प्याज, बीन्स, आलू, हरी मिर्ची, गाजर और तड़का के लिए लिया मैंने 1/2 टीस्पून उड़द दाल, 1/2 टीस्पून जीरा, थोड़ी सी हींग, 1 टीस्पून राई के दाने, 1 सूखा लाल मिर्च और थोड़ा से करी पत्ता। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। मैंने एक कढ़ाई को गर्म कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे सूजी। सूजी को हमें फ्राई करना है, बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का ब्राउन होने तक इसे हमें फ्राई करना है। फिर मैंने कढ़ाई गैस पर रख दिया। अब हम डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसमें डालेंगे उड़द दाल, हींग और जीरा। चटकने लगे आप डालेंगे राई और सूखी लाल मिर्च तोड़ के डाला। देखिए क्रैक होने लगे, आप डाल देंगे। ये सारे मसाला फ्राई हो जाए तो हम एक एक करके एक सब्जी डाल देंगे। प्याज को हम थोड़ा बाद में डालेंगे क्योंकि प्याज को ज्यादा नहीं। देखिए मेरा सब्जी थोड़ा फ्राई हो चुका है, अब हम डालेंगे प्याज, क्योंकि प्याज ज्यादा कुक करने से प्रॉपरली टेस्ट नहीं आता। प्याज को थोड़ा बाद में डाल दिया तो थोड़ा थोड़ा कच्चापन रहेगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हमारा सब्जी फ्राई हो चुका है, अब हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और थोड़ी सी हल्दी, एकदम से थोड़ा सा हल्दी। ये ऑप्शनल है, ये आप चाहे नहीं भी डाल सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा और मिला लेते हैं। आप डालेंगे जो फ्राई किया हुआ सूजी हम इसमें डालेंगे। तो सूजी को ये सारे सब्जी का साथ थोड़ा मिक्स कर लेंगे, क्योंकि मैंने सूजी जब फ्राई किया था उसमें तेल नहीं डाला था। आप वैसे तेल के साथ सब्जी के साथ इस सब्जी को हम थोड़ा से फ्राई कर लेंगे। आप सूजी भी हमारा भून चुका है सारे सब्जी के साथ। आप हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। गर्म पानी डालेंगे, मैंने 1 कटोरी सूजी लिया तो मैंने 3 कटोरी पानी लिया। आपका अगर बारीक सूजी है तो होता है तो आप 3 कटोरी से थोड़ा से कम पानी लीजिए, और मोटा सूजी है तो आपको प्रॉपरली 3 कटोरी पानी चाहिए। आप हम इसे थोड़ा मिला लेते हैं। आप हम इसे ढक के पकाएंगे 5 मिनट। मैं ढक्कन को खोल के देखती हूँ। हाँ, मेरा सूजी एकदम फूल गया, एकदम खिला खिला बन गया। लेकिन अब हम गैस ऑफ कर देते हैं। गैस ऑफ करके और 5 मिनट हम इसे ढक के रखेंगे। 5 मिनट हो गया, हमारा सूजी एकदम खिला खिला सूजी रेडी है। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा उपमा रेडी है। मैंने इसे थोड़ा से फ्राई किया हुआ मूंगफली दाना के साथ गार्निश किया। तो आप ऐसे करके बनाइए, खाइए, दोस्तों को खिलाइए। तो आज मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और एक रेसिपी लेके। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।